Hello everyone, this is Deepika. Welcome to R.G.A.D. Commerce classes. Now, today we are going to discuss important topics of HRM from the point of view of NDA NET examination. जैसे कि हमने discuss किया था कि HRM के topics complete होने के बाद हम उनके important topic की list एक बार discuss कर लेंगे, जिससे कि आपको preparation करने में आसानी हो, ठीक है? तो जो वैसे तो almost सारे topic cover कर चुकी हूँ मैं, मगर फिर भी इन केस जो नहीं कवर किए हैं वो कवर कर देंगे. उसके बाद भी अगर रह जाता है तो मैंने लिस्ट बना दी है, ये टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो रह जाए वो आप खुद कवर कर लेना, बाकी मैंने कवर करके रखे हैं, ठीक है? नंबर वन है परफॉर्मेंस अप्रेजल, नंबर टू वेज थ्योरीज, नंबर थ्री कंपनसेशन, कंपनसेशन की थ्योरीज सारी मैंने करवाई हैं, ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं ये मैं करवा चुकी हूँ, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये मैं करवा चुकी हूँ, मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ये भी मैं करवा चुकी हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, ठीक है, ये टॉपिक है. उसके बाद इंसेंटिव प्लान्स हैं, इसमें सारे प्लान्स अभी हम डिस्कस ही कर चुके हैं, रॉवन हॉल से ब्यूडेक्स और सारे प्लान्स, ठीक है? जॉब एनालिसिस डीप में डिस्कस कर चुके हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन डीप में डिस्कस कर चुके हैं एंड जॉब स्पेसिफिकेशन भी डीप में डिस्कस कर चुके हैं. यूज़ ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन ग्राफ के थ्रू हमने समझा है, सक्सेशन प्लान भी समझे हैं, सोशल सिक्योरिटी एंड कंसेप्ट रोल एंड फंक्शन ऑफ HRM सारा कुछ, ये नीचे वाला 14 नंबर पॉइंट ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग मीनिंग डेफिनेशन रोल फंक्शन सारा कुछ, और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? और जिसे मतलब टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें HRM करके प्लेलिस्ट बनी, उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. ऐसे ही और भी वीडियोस हैं जैसे बिजनेस की, इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग, मार्केटिंग, ठीक है? और सारे मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ है. और दूसरी बात ये कि इसमें अगर हमें लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और जो भी है मुझे लगेगा कि हाँ इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बनाना चाहिए वीडियो, तो बनाऊंगी. अदरवाइज़ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेंगे. अभी मार्केटिंग हमने स्टार्ट की थी वो कवर नहीं हुई, वो कवर करनी है, और बैंकिंग कवर करनी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर करनी है, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट्स के कवर करेंगे, मतलब पेपर टू में जितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आना ही आना है, क्योंकि टाइम भी कम बचा है, इसलिए उतना हम डिस्कस कर लेंगे. आई होप गाइज यू लाइक द वीडियोज, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, है ना? और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ये सब अच्छे से समझ लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग.